ओके तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 1.9। ओके तो इसकी मैंने फिगर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके मैंने रखी हुई है। ओके तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए कि भाई 2 पॉइंट चार्ज इज Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड हैज 10^-8 कूलम्ब, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज अ नेगेटिव चार्ज, हैव द मैग्नीट्यूड इज 10^-8 कूलम्ब, सो दैट बोथ मैग्नीट्यूड इज सेम बट इज अपोजिट नेचर इज लाइक दिस डाइपोल मोमेंटम। तो सीज रिस्पेक्टिवली आर प्लेस द 0.1 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए बी एंड सी शोइंग फिगर। ओके तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, कहाँ कहाँ पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। देखिए एक तो हमारा एक बी पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना है, देन आप हमको एक ए पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है, देन आप हमको एक सी पॉइंट में फाइंड आउट करनी है। पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं एक फिगर में उसका इंडिकेशन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए किस तरह के भाई ये हमारा जो बी पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके तो बी पॉइंट है तो एटमोसफियर का एक पॉइंट है, दिस है पॉजिटिव चार्ज एंड दिस है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में होगा रिपल्शन, तो इसकी इंडिकेशन डायग्राम आएगा ऐसे। तो एक कौन सा भाई इलेक्ट्रिक मीन्स के फिर प्रोड्यूस हुआ, ये हमारा फर्स्ट चार्ज का प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चार्ज का प्रोड्यूस हुआ। ओके तो ये जो हमारा मीन्स के हमको मिल रहा है, एक हमको एक ड्यू टू द Q1, ड्यू टू द Q1 पर हमारा लोकेशन है B पे, ठीक है। तो ड्यू टू द Q1 मैं उसको नाम देता हूँ E1B। ओके देन आप देखिए कि भाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारा पॉइंट है, तो उसमें अट्रैक्शन लगेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो वो जो फोर्स लगेगा मीन्स के यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ E2B। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है भाई, अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आपको मिलेगी, जहाँ पे डिस्टेंस आपका कम हो, कहाँ पे डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस कम है तो इसका डिस्टेंस कम है, तो उसके कारण जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है रिपल्शन डायरेक्शन में, तो ए वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैक्सिमम फाइंड आउट होती है। तो दिस इज अ ए जो वाली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई मीन्स के राइट लेफ्ट हैंड साइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो ही रही है, तो ये आपको रिजल्टिंग मिलने वाली है, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम एक का सोचेंगे। ओके तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपल्शन होकर यहाँ पे उसकी डायरेक्शन ऐसे आती है, और यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होकर उसकी भी डायरेक्शन ऐसी आती है। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ये दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आता है, तो आपको ओनली फॉर एडिशन वेक्टर करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्शन में वेक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके तो सी पॉइंट का आप देखते हैं, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा रिपल्शन, तो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिली E1C में, उसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे आपको देखिए नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिली आपको, तो उसका मैं नाम दे देता हूँ कि भाई E2C। उसका रिजल्टिंग वेक्टर आपको रिजल्टिंग वेक्टर फाइंड आउट करना है ना, तो पैरोग्राम मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसका रिजल्टिंग वेक्टर ऐसे फाइंड आउट हुआ, तो उसकी भी इसका जो एंगल फाइंड आउट हुआ, दिस एंगल इज 120 डिग्री, क्यों 120 डिग्री, देखो एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, कैसे आपको मालूम पड़ा कि 0.05 मीटर 0.05 मीटर, सो देट इज 0.1 मीटर, दिस 0.1 मीटर, दिस 0.1 मीटर, तीनों तीन साइड का डिस्टेंस सेम है, सो देट इज द इक्विलेटर ट्राइंगल। तो यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60, दिस इज ऑल्सो 60, बट यहाँ पे हमने टू पार्ट किया हुआ है, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये वाला भी एंगल 30 डिग्री बिना, ये हमारा टोटल एंगल बन रहा है भाई 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से 30 और 30 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना रिमेनिंग हुआ 120 डिग्री, तो 120 डिग्री यहाँ पे आपको फाइंड आउट हुआ, ठीक है। ओके तो ऐसे आपने यहाँ पे फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया, देन आप आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके तो हम ऐसे स्टार्ट करते ए बी और सी पॉइंट लेके थे, ठीक है। तो हम पहले पॉइंट ऐसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके तो पॉइंट ए पे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू दी Q1 चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज, Q1 चार्ज का मीन्स का चार्ज कैसा है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की भाई मीन्स के इक्वेशन क्या होती है के Q1 अपॉन आर का स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 9×10^9, ये तो आपका मालूम होगा कूलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9×10^9। देन आप यहाँ पे Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड है 10^-8, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.05 का स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइन आउट होगा दिस वैल्यू इज 3.6×10^4 न्यूटन कूलम इनवर्स, और यहाँ पे आप यूनिट कैप आर कैप लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देना है कि भाई यूनिट कैप आर इस यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन
कैसी डायरेक्शन आएगी बताइए आप मुझे, कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपको ऐसे जाना है ना, तो आपकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट हुई, आपकी डायरेक्शन कैसे आई। मिस के आपकी डायरेक्शन आ रही है राइट हैंड साइड पे, ठीक है, आपकी डायरेक्शन आ रही है एक राइट हैंड साइड पे, इस डायरेक्शन इज टूअर्ड राइट साइड, ठीक है, ओके। देन आफ्टर आपको एक दूसरा मिस के यहाँ पे आपकी सिस्टम में कितना भाई इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल से टू, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इक्वेशन टू ही बनने वाला है, तो ई टू में यहाँ पे लिख देता हूँ ई टू के क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये Q2 अपॉन R स्क्वायर आएगा, तो उसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा। देखो Q2 के चार्ज यहाँ पे देखो क्या भाई, उसकी भी डायरेक्शन AC आने वाली है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे R यूनिट कैप लिख देता हूँ, और दिस इज अ यूनिट वेक्टर इट डायरेक्शन टूअर्ड राइट हैंड साइड, तो दोनों की डायरेक्शन आपकी राइट हैंड साइड ही आ रही है, ठीक है, ओके। तो दोनों की डायरेक्शन राइट हैंड साइड आ रही है, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई दोनों का वेक्टर ही आपको फाइंड आउट कर, देखिए उसकी डायरेक्शन ऐसे और दूसरी की डायरेक्शन ऐसे ही फाइंड आउट हुई, ओके ओके। देन आफ्टर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट की फाइंड आउट होती है ई वन प्लस ई टू, तो दोनों का एडिशन कर देना 3.6 इंटू 10^4, तो उसका भी आंसर इतना ही आएगा, ठीक है, तो आपको वापस कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपको लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 3.6 इंटू 10^2 फोर इंटू में टू कर देता हूँ, ठीक है, तो भी चलेगा ना, ओके। देन आप तो 2 इंटू 3.6 इक्वल टू होता है 7.2 इंटू 10^4 न्यूटन पर कूलम इनवर्स, और उसकी डायरेक्शन क्या आई, इस डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, ये दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड राइट फाइंड आउट हुई। देन आप मैं पॉइंट इंडिकेट करता हूँ पॉइंट बी, ओके, तो पॉइंट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू वन चार्ज मीन्स के पॉजिटिव चार्ज, तो E1 वन इज इक्वेस टू क्या मिलेगा आपको, E1 वन इज इक्वेस टू के क्यू वन अपॉन आर स्क्वेयर। देखो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना है 0.05 मीटर है, और चार्ज भी 10^8 आपको लिखना है, तो उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 3.6 इंटू 10^-4 न्यूटन पर कूलम आएगी, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक यूनिट कैप आर कैप लगा देता हूँ, अपन यूनिट कैप आर कैप की डायरेक्शन चेंज होने वाली है, कहाँ पे आएगी भाई लेफ्ट हैंड साइड आएगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई यूनिट दिस इज अ यूनिट वेक्टर इट डायरेक्शन टूअर लेफ्ट साइड, ठीक है, उसकी डायरेक्शन आपको मिल रही है टूअर लेफ्ट साइड, ओके। देन आफ्टर आपको एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ई टू दूसरी चार्ज की, ठीक है, तो दूसरी चार्ज की हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी क्यू टू चार्ज, क्यू टू चार्ज की हम फाइंड आउट कर देते हैं, ई यहाँ पे के क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर आएगा। देखो उसका सेम नहीं आने वाला है, क्यों नहीं सेम आने वाला, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मिस का डिफरेंट है 0.05 मिस के 0.1 और 0.05 आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी चेंज होगी 9 × 10^9 और Q2 की वैल्यू है 10^-8 अपॉन 0.15 का स्क्वेयर, और उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो 4 × 10^3 न्यूटन पर कूलम इनवर्स मिल रही है, ठीक है, ओके। और उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, मैं यहाँ पे यूनिट के पार कैप लिख देता हूँ, उसकी डायरेक्शन आ रही है राइट हैंड साइड, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन इज राइट हैंड साइड, ठीक है, ओके। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, ओके, तो किसकी वैल्यू भाई मैक्सिमम है, किसकी वैल्यू मैक्सिमम है, हमारी जो E1 की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स के नियर है, ठीक है, और दूसरा ये चार्ज पार्टिकल से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसकी इफेक्ट यहाँ पे कम मिलेगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EB इज इक्वल टू आपका इक्वेशन फाइंड आउट होगा E1 - E2, तो E1 क्या आपको मिला, E1 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10^4 माइनस 4 इंटू 10^3। देखिए यहाँ पे आपका जो मीन्स के यहाँ पे 10^4 और यहाँ पे 10^3 है, तो पहले तो ऑर्डर आपको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो 36 इंटू 10^3 यार यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 10^3, ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिजल्टिंग फाइंड आउट हुआ 32 इंटू 10^3 न्यूटन पर कूलम, का तो आप लिख सकते हो 3.2 इंटू 10^4 न्यूटन पर कूलम इज टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, उसकी नेट डायरेक्शन कहाँ पे मिलेगी आपको, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, इस टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड,
चलाया ना लेफ्ट हैंड साइड क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से तक का डिस्टेंस उसका कम है और ए पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट भी सेम होगी, ठीक है। बट जो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से मीन्स के इफेक्ट तो सेम नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसकी इफेक्ट यहाँ पे कम होगी और उसकी इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा होगी, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो हमको मीन्स के सबट्रैक्शन करना है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी हमको लेफ्ट हैंड साइड पर, ओके। ध्यान आप हमको एक नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के पास सी पॉइंट की, अब सी पॉइंट की कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए तो पहले तो मैं यहाँ पे इसमें सी पॉइंट की मैं फाइंड आउट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। सी पॉइंट तो पहला मैं ई वन सी फाइंड आउट करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स के के क्यू वन अपन आर स्क्वायर, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है पॉइंट वन, नाइन इंटू टेन डेज टू नाइन, टेन डेज टू माइनस एट अप वन पॉइंट वन का आपको करना है स्क्वेयर, तो उसका आंसर आएगा 9 इंटू टेन डेज टू थ्री न्यूटन पर कूलम इनवर्स। देखिए ई टू का ये भी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो भी आपका पॉइंट वन ही है और उसका भी चार्ज इतना ही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ई वन सी इज इक्वल्स टू ई टू सी होगा, ठीक है, ओके। तो ध्यान आप मैं इज इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ बाई ई, मैंने ऐसा ले लिया कि भाई ये दोनों की वैल्यू सेम है तो इसकी इक्वल्स टू होगा ई, तो आपको फाइंड आउट करना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू उसका इक्वेशन पैरोग्राम मेथड से आपको फाइंड आउट हुआ कि भाई ई वन का स्क्वायर मीन्स के ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस टू ई ई और उसकी भी इसका एंगल कॉस 120 डिग्री और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस वन बाई टू, तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ई स्क्वायर और यहाँ पे आप माइनस वन वन बाई टू पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई माइनस ई स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे बचेगा ओनली फॉर ई स्क्वायर और ई स्क्वायर का हम इसके रूट निकालेंगे तो बचेगा ई, तो ई को आपने वैल्यू फाइंड आउट की है तो ई इज इक्वल टू फाइंड आउट हुआ 9 इंटू 10 डैश टू 3 न्यूटन पर कूलम और उसकी डायरेक्शन इट्स टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, उसकी डायरेक्शन आ रही है राइट हैंड साइड, इट टूवर्ड्स राइट साइड, चल आया, ओके। ऐसे आपको डायरेक्शन इंडिकेट करना आना चाहिए, यहाँ पे आपको ओनली फॉर एक बेसिक नॉलेज ही आना चाहिए, सभी कैलकुलेशन तो इजी होती है कि भाई डायरेक्शन कैसे आपको इंडिकेट करना है, ठीक है। तो पूरे का पूरा मैं अभी भी एक बार आपको डायरेक्शन लेना में मीन्स के लर्निंग करना मैं सिखवाता हूँ कि भाई यहाँ पे आपका एक बी पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में होता है कि भाई रिपल्शन, तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन आएगी और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है एट्रैक्शन, तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पे आएगी, तो दोनों की डायरेक्शन आप देख रहे हो अपोजिट है, पर दोनों का मैग्नेटिक मीन्स के दोनों की इफेक्ट क्या सेम होती है ना, सेम नहीं होती है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है तो उसकी इफेक्ट ज़्यादा होगी, अगर उसकी इफेक्ट ज़्यादा होगी तो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे लगेगी भाई लेफ्ट हैंड साइड, तो उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ओके। तो हमारा ए पॉइंट की देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव तो लेफ्ट हैंड तरफ मीन्स के राइट हैंड तरफ जाएगी उसकी डायरेक्शन, और पॉजिटिव नेगेटिव तो भी राइट हैंड डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ पे दोनों का एडिशन कर देना है, ठीक है। और ध्यान आप ये तो हमारा कैसा आप थ्योरम है, हमारा मीन्स के इक्वेटोरियल वाला ही थ्योरम है, ठीक है, उसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होकर ऐसे जाती है और पॉजिटिव नेगेटिव तो उसकी रिफ्लेक्शन होकर ऐसे आती है और यहाँ तक का मीन्स के यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई। देखो ए वाला पॉइंट पे ना तो आप ए भी इक्वेशन लगा सकते हो, इक्वेटोरियल एक्सिस का क्या इक्वेशन आता है इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू, के पी अपॉन आर क्यू, बट आपको पी फाइंड आउट करना पड़ेगा, पी कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी इज इक्वल टू टू क्यू ए लेके, ठीक है। तो ए हमारा जो डिस्टेंस ए था तो ए कितना डिस्टेंस है 0.05, ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, और आर क्यूब के लिए आपको डिस्टेंस क्या कंसिडर करना है ए वाला नहीं, ए पॉइंट वन नहीं कंसिडर करना, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो आप ऐसा भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके। कोई भी आप इक्वेशन लगा के मीन्स के आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो।